today we are going to start chapter number 19 consumers awareness in this chapter we will learn the need of consumer awareness type of exploitation of consumers causes of consumers exploitation solution of consumers exploitation consumers revolution and right and duties of consumers so children consumers and producers are complementary to each other one produces goods and sells them, and the other utilizes them after buying. Thus, a consumer is a person who buys commodities from the market. In this age of capitalism and globalization, the main objective of each producer is to max maximize profit. Therefore, in fulfillment of their aim, they at times forget the sights of consumers and start exploiting them.

एक गुड्स को प्रोड्यूस करता है और सेल करता है वहीं दूसरा उस प्रोडक्ट को बाय करके यूटिलाइज़ करता है इस तरह से कंज्यूमर कंज्यूमर क्या, क्या है कंज्यूमर वह पर्सन है जो मार्केट से कमोडिटीज़ को बाय करता है और फिर उन्हें यूज़ करता है तो चिल्ड्रन आज के समय में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और इसके लिए वो ए, कोई भी रास्ता अपनाते हैं कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग भी स्टार्ट कर सक कर देते हैं और उनका एक्सप्लाइटेशन भी स्टार्ट करते हैं तो इन अपने आप को चीटिंग से बचाने के लिए जरूरी है कि जो कंज्यूमर है वह अवेयर रहे अब आप सोच रहे होंगे कंज्यूमर क्या है कंज्यूमर जो है वह ग्राहक है जैसे कि मैंने बताया वह व्यक्ति जो कि किस मार्केट से कोई भी चीज़ है कोई भी वस्तु खरीदता है तो इस वे से देखा जाए तो हम सभी कंज्यूमर्स हैं क्योंकि हम सभी मार्केट से कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चीटिंग ना करें इसके लिए कंज्यूमर्स को अपने राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों का पता होना चाहिए और इसके लिए यदि वो अवेयर होंगे तभी वो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को जान पाएंगे इसलिए कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है चिल्ड्रन जैसे कि मैंने अभी कहा कि अपने आप को चीटिंग से बचाने के लिए कंज्यूमर्स को राइट्स और ड्यूटीज उनकी क्या है वो जानना जरूरी है और इसके लिए उनकी अवेयरनेस जरूरी है और भी वेज हैं जिसके लिए कंज्यूमर्स की अवेयरनेस जरूरी है वो क्या है टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फर्स्ट तो ये है सेकेंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स देन कंट्रोल ओवर कंजप्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स दैन मोटिवेशन फॉर सेविंग नेक्स्ट नॉलेज रिगार्डिंग सोलूशन टू प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्दी सोसाइटी तो ये सारे रीजन है जिसकी जिसके कारण आवश्यकता है कि जो कंज्यूमर है वह जागरूक हो लेट्स यज फर्स्ट टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन द इनकम इन एवरी इंडिविजुअल इज लिमिटेड He wants to get maximum satisfaction from the goods and services with his income. Therefore, it is necessary that he should get the goods which are measured appropriately and he should not be cheated in any way. For this, he should be made aware. तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि जो कंज्यूमर है वह उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो संतुष्टि हो वह कैसे होगी हर व्यक्ति की अपनी आय होती है और वह लिमिटेड होती है और वह उसी में अपनी जो से वस्तुएं हैं वो खरीदना चाहता है इसलिए ज़रूरी है कि उसे जो भी वस्तु वो खरीद रहा है उसे सही मेज़रमेंट में वो वस्तुएँ और उसके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो इसके लिए उसे जागरूक होना आवश्यक है Now, protection against exploitation of producers. Producers and sellers exploit the consumers in many ways as unwagging, taking more price than the market price, selling duplicate goods, etc. Big companies, through their advertisement, also mislead the consumers. Consumers' awareness shields them from the exploitation of producers. तो चिल्ड्रन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सेलर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी कर सकते हैं जैसे कि कम तोल देना ज़्यादा कीमत लेना बिल ना देना मिलावट कर देना नकली वस्तु देना और बड़ी बड़ी कंपनी तो अपने एडवर्टाइजिंग से जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको भ्रमित भी करती हैं तो यदि जो कंज्यूमर्स हैं अवेयर रहेंगे तो उन्हें सही जानकारी होगी और वो लोगों के शोषण से बच पाएंगे इसी तरह से और भी रीज़न है जिसकी वजह से जो यह जरूरी करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसे जागरूक होना चाहिए कंट्रोल ओवर कंजप्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स मोटिवेशन फॉर सेविंग नॉलेज रिगार्डिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि हानिकारक वस्तुओं का उपयोग ना हो आ, जो सेविंग है उसकी प्रेरणा मिले उन्हें यदि कंज्यूमर जागरूक होगा अवेयर होगा तो वह सही निर्णय ले पाएगा और जो फालतू के प्रलोभन होते हैं उनसे वो दूर रहेगा और अपनी बचत को कर पाएगा यदि कंज्यूमर अवेयर रहेगा तो जो प्रॉब्लम्स उसके सामने आएगी उनका वो सॉल्यूशन कर सकेगा और एक हेल्दी सोसाइटी है उसका कंस्ट्रक्शन भी करने में वह हेल्प कर सकता है क्योंकि यदि कोई किसी को चीट नहीं करेगा तो जो समाज है उसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं होंगे परेशानियां नहीं होंगी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो चिल्ड्रन जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको कई तरह से एक्सप्लॉयटेशन उनका किया जा सकता है उनको कई तरह से ठगा जा सकता है सो लेट्स रीड हाउ टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन Today a consumer faces difficulty in selecting the right commodity due to expansion of commercial activities and availability of varieties of goods and services in the economy the companies give attractive advertisement and information to attract consumers but many times it is not proper and complete therefore the consumers are cheated and exploited generally the consumers are exploited in the following ways high prices inferior qualities adulteration and impurity false or incomplete information artificial uh, scarcity black marketing and hoardings wrong measurement after sale services misbehavior and unnecessary conditions तो चिल्ड्रन ऐसे कई प्रकार हैं जिससे जो कंज्यूमर हैं उनका शोषण किया जा सकता है सबसे ज्यादा सबसे पहला तो बहुत मनमानी कीमत जो ले लेते हैं दुकानदार कोई भी निर्धारित चीज हो उसमें जो आ, आ, फ़िक्स रेट जो रेट होता है उससे जिस लायक वो वस्तु होती है उससे कहीं ज़्यादा कीमत वो ले लेते हैं उसके बाद सेकंड जो है वह है इन्फीरियर क्वालिटी अच्छी कीमत तो दुकानदार ले सकते हैं लेकिन उन्हें घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया जा सकता है इस तरह से भी उन्हें चीट किया जा सकता है फिर गलत या अधूरी जानकारी भी उन्हें दी जा सकती है मिलावट की जा सकती है और जो चीज़ें उनमें अशुद्धता हो सकती है कभी कभी त्यौहार वगैरह आते हैं तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादा लाभ के लेने के लिए वस्तुओं को ब्लैक मार्केटिंग के लिए इकट्ठा कर लेते हैं जमा कर लेते हैं और उनकी कमी उत्पन्न कर देते हैं और फिर जब ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो उसे ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं तो ये सारी समस्याएँ भी होती हैं जिस वजह से जो कंज्यूमर हैं उनको चीट किया जा सकता है रोंग मेज़रमेंट करके भी जो कंज्यूमर है उनको चीट किया जा सकता है और कई बार ये भी किया जाता है कि जब तक कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीद नहीं लेता उसको तरह तरह का लालच दिया जाता है वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छाई बताई जाती हैं और उसे अट्रैक्ट किया जाता है लेकिन बाद में जब वो ख़रीद लेता है तब फिर यदि वो उसकी बताई हुई चीज़ों पर वो चीज़ सही नहीं उतरती है जैसा कि दुकानदार उसके बारे में लाभ गिनवाता है वो सही नहीं निकल नहीं निकलती है तो फिर ये ग्राहक की ही गलती बता दी जाती है और कंज्यूमर जो है फिर उस चीज़ों से फिर वो सॉल्ट आउट उनको नहीं कर पाता है तो ये सारे कई कारण हैं ये कई तरीके हैं प्रकार हैं जिनसे जो है कंज्यूमर को चीट किया जा सकता है चिल्ड्रन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द कॉजेस ऑफ कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन